हाय फ्रेंड्स, आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां रोटी ना बनती हो, लेकिन जो लोग पहली बार रोटी बनाने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। चलिए मैं दिखाती हूँ इसे कैसे बनाएं। इसके लिए सिर्फ हमें दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, तो चलिए देखते हैं। फुल्का बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा और 1/2 चम्मच नमक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है, तो इसके लिए आप गहरा बर्तन ले लीजिए और इसमें आप आटा डाल देंगे। आटा डालने के बाद अब इसमें हम पानी की सहायता से एक डो तैयार कर लेंगे। डो बनाते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि पानी हमें एक साथ नहीं डालना है। आप धीरे धीरे करके पानी आटे में डालते जाइए और इस तरीके से हम एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। आटे को हल्का सा गूंथने के बाद अब इसमें हम नमक डाल देंगे। हमने रोटी में थोड़ा सा टेस्ट बनाने के लिए नमक डाला है, आप चाहें तो नमक ना भी डालें। और इसमें अब हम फिर से पानी डालकर डो बना लेंगे। ये देखिए, डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे चिकना कर लेते हैं। चिकना करने के लिए हम हाथों में पानी लेंगे और आटे के ऊपर आप पानी लगाकर इसे अच्छी तरीके से मसल कर चिकना कर लेंगे। सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए। तो इसमें हम बार बार पानी डालकर इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 बार करेंगे, जब तक कि आटा हमारा बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। अब देखिए, डो हमारा काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब इसमें हमें और पानी डालकर इसे मसलने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम किसी बर्तन से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो गया है। अब चलिए हम रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने से पहले हम आटे को फिर से एक बार हाथों से मसल कर इसे चिकना कर लेंगे। ये देखिए, डो काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब इसकी हम लोई बनाते हैं। आटे का एक हिस्सा हम हाथ में लेंगे और हथेली की सहायता से हम इसे रोल करके बिल्कुल चपटा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप आटे की लोइयां बना लीजिए। लोइयां बनाने के बाद अब इसे हम फिर से हाथ में एक बार फ्लैट कर लेते हैं और लोई में सूखा आटा लगाकर अब रोटी को रोल करना हम स्टार्ट करेंगे। सूखा आटा लगाने से रोटी रोल करते समय चिपकती नहीं है और आसानी से चारों तरफ से इक्वली रोल होती है। तो ज़रूरत के अनुसार हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे। हम बहुत ज़्यादा सूखा आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो रोटी हमारी ड्राई हो सकती है। रोटी को रोल करते समय हम चारों तरफ से इसे बिल्कुल पतला करेंगे। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इक्वल प्रेशर लगाते हुए ही रोटी को बेलना है। हम इसे तब तक बेलेंगे जब तक कि रोटी चारों तरफ से बिल्कुल पतली ना हो जाए। ये देखिए, हमारी एक रोटी रोल हो गई है और इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी रोल कर लेंगे। फुल्का बनाने के लिए हमने रोटियां बेल ली हैं।
अब चलिए इसे हम सेकते हैं। तो सेकने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे और पैन को आप हल्का गर्म कर लीजिए। हमने पैन को मीडियम फ्लेम पर रख कर बिल्कुल गर्म कर लिया है। अब हम एक एक रोटी डालकर सेकेंगे। तो फुलका बनाने के लिए आप रोटी को तवे पर डाल दीजिए। तवे पर डालने के लगभग कुछ सेकेंड्स बाद आप देखेंगे कि रोटी के ऊपरी सतह का कलर चेंज होने लगा है। आप देख रहे हैं कि रोटी की ऊपरी सतह का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें थोड़े बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस समय हम रोटी को पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। दूसरी तरफ से इस समय हम थोड़ा ज़्यादा सेकेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाएं। ये देखिए रोटी की निचली सतह पर लाइट ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसे हम डायरेक्टली गैस पर सेक लेते हैं। गैस पर सेकते समय हमारा फ्लेम हाई होना चाहिए, तो हाई फ्लेम पर रखकर हम रोटी को उलट पलट कर सेकेंगे जिससे रोटी हमारी पूरी तरीके से फूल जाएगी। अब इसे हम दोनों तरफ से उलट पलट कर लगभग कुछ सेकेंड्स के लिए ही सेक लेते हैं। ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो रोटी हमारी कड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक फुलका सेका है और इसी तरीके से अब हम बाकी फुलके भी सेक लेते हैं। अगर आपके पास गैस स्टोव नहीं है तो आप डायरेक्ट तवा पे भी फुलका बना सकते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सेम वही तरीके से हम रोटी को तवे पे डालेंगे और कुछ सेकेंड्स में ही ऊपरी सतह का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें बबल्स दिखाई देने लगेंगे। जब बबल्स आने लगे तो रोटी को पलट देंगे। पलटने के बाद अब इसे हम सूखे कपड़े से हल्का हल्का दबाकर दोनों तरफ से उलट पलट कर सेक लेंगे। इस तरीके से हमारा फुलका बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप फुलका को डायरेक्टली तवे पे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी फुलके तैयार कर लिए हैं। जब फुलके हमारे तैयार हो जाएं, तब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी लगाने से रोटियां हमारी बहुत देर तक सॉफ्ट रहेंगी। अब इसे हम किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ से रैप करके कैसरोल में रख कर गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। फुलके को आप किसी भी वेजीज या दाल के संग सर्व कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा होगा और इसको पसंद भी किया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप प्लीज जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरी अगली रेसिपी क्या होनी चाहिए ये प्लीज़ आप मुझे बताइए। टिल देन गुड बाय।